मेरी आप सबसे एक अपील है, प्रार्थना है, ये कोरोना बीमारी असाध्य बीमारी नहीं है, इस बीमारी से जंग जीती जा सकती है। हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी अपील किए हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर रहें और इस बीमारी से मुक्ति पाएं। आपको साफ सफाई के साथ रहना है, हाथ लगातार धोना है। यदि इन बातों का पालन करते हैं तो यह बीमारी डरावनी नहीं है, इस बीमारी की जंग को जीता जा सकता है। मेरी और आप लोगों से एक अपील है, हमारे मैयर क्षेत्र के तमाम लोग जो अपना घर परिवार पालने के लिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमाम जगहों पर नौकरी करने गए हुए हैं, उन सबसे भी मेरी अपील है, उनके स्वजन जो हमारे मैयर क्षेत्रवासी हैं और वो लोग जो बाहर हैं, मैं आप लोग दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं लगातार दोनों लोगों के संपर्क में हूं, दोनों लोगों से बात कर रहा हूं। जो भी मुझे फोन मिलते हैं, चाहे हमारे मैयर क्षेत्र के जिस गांव के लोग भी हों, उन सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना अपील है, जितना दुख दर्द हमारे मैयर क्षेत्रवासियों को, उनके परिवार के लोग जो बाहर हैं, उनके प्रति दुख है, उतना दुख हमको भी है। हम इस घड़ी में जितना जो बना बाहर से लोगों को मैयर लाने के लिए, वो भी लाने का प्रयास किया गया। अब इसके बाद इस बीमारी को देखते हुए पूरा देश एक तरह से लॉकडाउन किया गया, उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब कहीं किसी के आने जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही। जो हमारे मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनको भी यथा स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है, उसमें भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे बाहर लोग हैं, उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं, जहां जो जिस तरह भी चाहेगा उसको पूरा करके देंगे। मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जिसको जहां भी पता चले वो मेरे संपर्क में रहे, हम पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 24 घंटा एक तरह से अपने बार रूम में बैठकर इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी इस प्रदेश का परेशान न हो, प्रताड़ित न हो, डरे ना। इस जंग, कोरोना की जंग की लड़ाई में पूरी तरह तैयार रहे, अपने को अपने कमरे के अंदर रख कर रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी, शिवराज जी की बातों को सुनते हैं, उसका पालन करें।